गया, गर्मी ज़्यादा है, बहुत तेज गर्मी पड़ रहा है भैया, ज़्यादा गर्मी है, बहुत गर्मी है, हाँ खूब गर्मी है। नमस्कार, मैं संदीप कश्यप और आप जुड़ चुके हैं न्यूज़ ट्रैक बिहार के साथ। न्यूज़ ट्रैक बिहार में आपका स्वागत है। अभी हम हैं मधुबनी जिला के अंदर और जिस तरह से गर्मी से पूरा देश परेशान है, इसी तरह से बिहार के कई जिलों में बिहार सरकार ने अलर्ट घोषित कर दिया है। बहुत है, एक्सेस गर्मी है, एक्सेस गर्मी है। हाँ। ये आज ही हुआ है या अभी दो तीन से दो तीन डोज हो रहा जी भैया, गर्मी ज़्यादा है, दूसरे दिन के मुकाबले आज ज़्यादा है या चल ही रहा है, बहुत दिन से ज़्यादा चल रहा है जी, बहुत दिन से ज़्यादा चल रहा है, बहुत तेज गर्मी पड़ रहा है भैया, बहुत तेज गर्मी है, ज़्यादा गर्मी है, सड़क पे चलने से एकदम जो तापमान का टेम्परेचर जो है बढ़ने के कारण लू लग जाते हैं सर, बहुत गर्मी है, गर्मी से इतना परेशान है कि लोग जो है परेशान है, हम लोग रिक्शा भी नहीं चल रहा है गर्मी से। आज ज़्यादा गर्मी लग रहा है जी, बहुत गर्मी है ना, दो तीन दिन से कम था आज फिर ज़्यादा है, आज फिर ज़्यादा हो गया, दो तीन दिन से कम था, गर्म हवा बह रही है बाबा, हाँ ठीक है, बहुत गर्म है, हवा कम है आज, हवा बिल्कुल नहीं है, गर्मी है बाबा, हाँ खूब गर्मी है, बहुत गर्मी है, हाँ। अच्छा रोज ऐसे होता है कि आज ज्यादा हो गया, आज ज्यादा हुआ है, आज ज्यादा हो गया है, गर्मी है, बहुत गर्मी है, गर्मी से क्या करें, काम काम भी नहीं कर पाते हैं, एक दो दिन से ज्यादा हो गया है, दो तीन दिन से ज्यादा। और जैसा कि आपने देखा कि बढ़ती गर्मी की वजह से जो हीट वेव चल रहा है, जो लू की समस्या हो रही है, उससे काफ़ी लोग परेशान हैं। इन्हीं सब मुद्दों पे बात करने के लिए आज हमारे पास है मधुबनी सदर अस्पताल के डॉक्टर श्रवण कुमार जो कि एमडी हैं, इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे इन सब बढ़ती लू से और हीट वेव से जो है जनता बचाव कर सकती है। सर स्वागत है आपका न्यूज़ ट्रैक। थैंक यू सर, मेरा पहला सवाल तो ये है कि जो अभी गर्मी का प्रहार है, काफ़ी पेशेंट्स हॉस्पिटल में इसी केस रिलेटेड आ रहे हैं, तो कैसे बचाव कर सकते हैं, अगर पहली प्राथमिक अगर देखें तो क्या उपचार जो इंसान खुद से कर सकते हैं जनता? देखिए हीट स्ट्रोक मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ हीट एक्सॉशन है, मतलब एक्सट्रीम एक्सपोजर टू एक्सट्रीम टेम्परेचर, इसमें बॉडी की एक होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म होती है जो हीट को रिलीज करती रहती है, अचानक सडनली बहुत एक्सट्रीम हीट अगर एक्सपोज हो गया बॉडी तो वो इक्विलिब्रियम सिस्टम उसको मैनेज नहीं कर पाती है, जैसे स्वेटिंग होता है तो उससे हीट रिलीज होता रहता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर अचानक एक्सपोज हो जाए तो ये मैनेज नहीं कर पाता है उसको, इसी सिचुएशन को हीट स्ट्रोक कहते हैं, जो मोस्ट सीरियस है, उससे नीचे लेवल का सीरियसनेस वाला हीट एक्सॉशन होता है, इसमें स्वेटिंग नहीं होती इसीलिए और भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसका जो यूजुअल सिम्टम्स है वो है ड्राई स्किन, ड्राई माउथ, अल्टर्ड सेंसोरियम, स्वेटिंग रुक जाती है या बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस वजह से इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस हो जाता है तो अल्टर्ड सेंसोरियम भी हो सकता है, मतलब जिसको बेहोशी होना, चक्कर खा के गिरना आम भाषा में बोलते हैं, वो हो जाता है। प्राथमिक उपचार इसका थोड़ा बहुत हो सकता है घर पे, ऐसे जितनी जल्दी हो सके नज़दीकी अस्पताल में जाना सबसे बेहतर है, लेकिन अगर कोई मिले मरीज ऐसा तो उसको कूल जगह पे एंड ड्राई जगह पे, बहुत ह्यूमिड जगह पे जहाँ पे बहुत आर्द्र वातावरण, ह्यूमिडिटी बहुत है, वहाँ पे नहीं रखना है, कूल होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए और एयर सर्कुलेटिंग होना चाहिए, सर्कुलेटिंग एयर होना चाहिए, ऐसी जगह पे रखना है, जैसे पेड़ का छांव है, अगर रोड पे जा रहे हैं कोई आदमी मिला ऐसा तो पेड़ का छांव इज़ द बेस्ट प्लेस, या फिर घर में भी कूल प्लेस और जहाँ पे हवा बह रही है और लो ह्यूमिडिटी वाली जगह, ऐसे जगह पे रखना पेशेंट को चाहिए। सर कैसे पता चलेगा पेशेंट को, इसके लक्षण अगर कुछ अगर दर्शाएं तो शायद लोगों को पता चल सके कि उसको लू इफेक्ट कर रहा है या हीट वेव का प्रभाव उसके ऊपर पड़ गया है, छोटे छोटे क्या ऐसे लक्षण हैं? शुरुआत में ड्राई माउथ होता है, मुंह सूख जाता है, उसके बाद ऐसा लगता है कि पसीना पहले ज़्यादा आ रहा था अब कम आने लगा, जबकि आप पहले से हीट में हैं, अभी उससे और ज़्यादा हीट में हो गए लेकिन पसीना पहले से कम हो गया, तो ये एक लक्षण है। ड्राई माउथ है, ब्लरिंग ऑफ विजन होने लगता है, आँख के सामने कुछ दिख नहीं रहा है, उसके बाद इससे ऊपर और जाएंगे तो चक्कर आने लगता है, इंसान बेहोश होकर के गिर जाता है, जिसको अल्टर्ड सेंसोरियम बोलते हैं, आप जगाएंगे नहीं जगेगा, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, आपके बोलने का कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, आप कोई पिंच करेंगे, पेन देंगे पेशेंट को तब भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो ये इसके लक्षण हैं। ये कितना खतरनाक हो सकता है सर? ये जानलेवा है, अगर सही समय पर इसका इलाज ना किया जाए तो, हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो, जैसा मैंने पहले भी बोला कि हीट स्ट्रोक इज़ द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ टेम्परेचर एक्सपोजर, तो ये एक्सट्रीम फॉर्म है, तो अगर सही से ट्रीटमेंट नहीं किया गया, सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये जानलेवा हो सकता है। जो अभी समय चल रहा है, जो हीट वेव चल रहा है, जो गर्मी का प्रहार है, इससे बचने के लिए लोगों को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? जहाँ तक हो सके बहुत गर्मी से बचें, धूप से बचें, अगर नहीं बच सकते हैं तो प्रॉपर क्लोथिंग होनी चाहिए,
व्हाइट कलर का, जो मैक्सिमम हीट को बॉडी के अंदर नहीं जाने देता है, अब्जॉर्ब नहीं करता, रेडिएट कर देता है। तो व्हाइट क्लोथिंग होनी चाहिए, कॉटन की क्लोथिंग होनी चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, अपने साथ कुछ इलेक्ट्रोलाइट वाला, जैसे कि इलेक्ट्रॉल पाउडर सबसे सिंपल मिलता है, वो लेके चलें। जब भी आपको लगे कि स्वेटिंग नहीं हो रही है या आपको चक्कर आ रहा है, गिडीनेस हो रही है, तो आप इलेक्ट्रॉल पाउडर ले सकते हैं। यूजुअली जो बॉडी की वाटर रिक्वायरमेंट है वो 3 लीटर पर डे होता है, इस गर्मी के मौसम में और बढ़ जाता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जहाँ तक धूप से बचा जा सके बचें, नहीं बच सकते हैं तो कॉटन के कपड़े, सूती के कपड़े उजले कलर के पहन के निकलें और अपने सर को ढकें गमछे से, जो या पगड़ी होता है गांव घर में वो करते हैं, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, मोर देन 4.5 4.5 लीटर से ज़्यादा पर डे 4.5 लीटर से ज़्यादा जो है वो पानी पीना चाहिए। अच्छा सर, खान पान को अगर देखें तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो एक रूटीन बना हुआ होता है, तो इस बढ़ती गर्मी में रूटीन में क्या कुछ ऐसे बदलाव करके उससे बचा जा सकता है खान पान में? अगर जैसे फ्रूट्स हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं जो सीजनल्स होते हैं, तो इसमें कौन से ऐसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे आप जोर देना चाहेंगे जो अगर पब्लिक इस्तेमाल करे तो शायद उससे उनका जो लू से प्रॉब्लम चल रही है, जो हीट वेव से प्रॉब्लम हो रही है, उससे बचा जा सकता है? देखिए, जैसा आपने खुद बोला कि सीजनल फ्रूट, भगवान ने हर मौसम के लिए हर खाना अलग अलग बनाया है। अभी के समय में जो फल मिलता है या सब्जियाँ मिलती हैं, सारी की सारी इस समय के लिए आइडियल हैं। जैसे तरबूज है, वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ग्लूकोज भी होता है जितनी रिक्वायरमेंट होती है, मिनरल्स बहुत अच्छे होते हैं उसमें। खीरा है, ककड़ी है, ये भी बहुत अच्छा होता है इस मौसम के लिए। जिस मौसम में है उस मौसम के लिए जो सब्जी या फल है वो सबसे बेस्ट होता है ना, उसमें मिनरल भी है, वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। खाने का जहाँ तक सवाल है, तो अभी गर्मी के सीजन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको मजबूरी बस अगर बाहर जाना पड़ रहा है किसी को, मान लीजिए कोई कोचिंग का स्टूडेंट है, किसी का एग्ज़ाम है, या कुछ लोग हैं जो रोज़गार से जुड़े हुए हैं जिनको जाना ज़रूरी है, जिनके लिए, उनके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए? वही मैं जैसा पहले भी बताया था कि कपड़े जहाँ तक हो सके सूती के पहने, वाइट कलर के पहने, अपने सर को ढक के रखें गमछा से या पगड़ी से किसी भी तरीके से, या छाता लेकर के चलें। पानी की मात्रा जितना आपको प्यास लगती है उससे ज़्यादा बढ़ा दें, और बेटर अगर हो सके बेटर ये है कि अपने साथ एक इलेक्ट्रॉल पाउडर रखें और पानी रखें, जब ज़रूरत पड़े तो आप पी लें। जुड़िए न्यूज़ ट्रैक के साथ, कैमरामैन सुमन झा के साथ संदीप कश्यप।